नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 7 और बस काम हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। नीचे का कंप्लीट हो गया सारा काम, गाय का दूध निकालना, नहलाना धुलाना, सब कुछ उनका घास पानी सब हो गया। बस अभी ऊपर का सारा बाकी है। ऊपर का मैंने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि नीचे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। मतलब मम्मी ने ही किया, मम्मी और पापा जी ने, मैंने नहीं किया नीचे का। वो मैं आपको दिखा दूँ उनका दूध वगैरह निकालने में, क्योंकि दो गायें होगी ना अब दूध निकालने में। और जो ये गायें अभी दूध देना शुरू करा तो जो बच्चा है उसका दूध पिलाने में थोड़ी दिक्कत होती है अभी शुरू शुरू में, एक दो दिन तो अभी इसका बस टाइम लगता है। नीचे तो नीला धुला दिए उन्हें, सारा काम हो चुका है नीचे का। और पापा जी भी बस अब नहा धो के अपना नाश्ता करके खेत में चले गए। और ये देखे दो बोतल पड़ी, मैं लाऊंगी फिर भर कर रखनी पड़ेगी मुझे। और इधर देखिए जो काम है वो चल ही रहा है। मिस्त्री जी भी बस आने वाले क्योंकि 7 बज गए और 7:30-8 बजे तक में आ जाते हैं, 7 तक ही आ जाते हैं। मुझे लग रहा है अभी गए, आवाज़ आ रही बाइक की, तो देखती हूँ। बस पापा जी भी जल्दी खेत में इसलिए चले जाते हैं कि जब तक मिस्त्री जी आएंगे तो तब तक में मतलब आ जाते हैं, फिर उनको भी कुछ ना कुछ सामान देना होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा, नीचे का तो कंप्लीट हो गया। ये बिस्तरे वगैरह भी मैंने नहीं उठाए क्योंकि अभी मैंने की है अपनी वीडियो एडिट। में क्या होता है फिर मुझे ना दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं बार बार बैठूँ फिर उठना पड़े, बार बार बैठती हूँ एडिटिंग के लिए फिर मुझे उठना पड़े, कभी नीचे सवाल लगा दें पापा जी, कभी कुछ काम। तो आज मैंने सुबह ही कर दी मगर जिससे मुझे दिक्कत ना हो दिन में, और इस वजह से फिर मैंने कुछ भी काम नहीं करा। बस अब सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह उठाऊंगी और बनाऊंगी चाय। अब पापा जी के लिए तो बन गई थी, पापा जी नाश्ता भी करके चले गए, लेकिन मैं और मम्मी पियेंगे। मम्मी कर रही है अभी पूजा, मम्मी नीचे से आकर नहा धो के अपना पूजा करती है, तो मैं पूजा कर रही है। बस मैं चाय रखती हूँ बनने और ये बिस्तरे उठाती हूँ, और फिर मुझे लगानी है मशीन। मशीन भी लगा कर छोड़ दूँगी, पाइप जब तक लगा दूँगी इसमें पानी भर जाएगा तो तब तक फिर मेरा ये छोटे मोटे काम जो हैं वो हो जाएंगे। फिर जब तक पापा जी आएंगे तो तब तक फिर मैं खाना बना के तैयार कर दूँगी। तो जी लगती हूँ बिस्तरे उठा दूँ पहले। ईशू भी आज जल्दी उठ गई, आना आग जल्दी खुल जा। मैं भी मुझे लगा आज 5:30 बजे ही उठ गई थी, तो आँख बोलते रहे ना फिर मम्मी और पापा जी भी, अचानक सभी जल्दी हो जा रोशनी तो आँख जल्दी खुल जाती है। ईशू भी आज मैं कह रही ईशू को मुझे उठ गया, हाँ मम्मी आँख खुल गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं लगती हूँ जी काम पे, धीरे धीरे अपना इसी तरीके से होता चला जाएगा सारा काम। ये फूट गया मेरे साथ चूल्हा, कल इसमें जैसा खाट बिछा रही थी ना शाम के टाइम वो लग गई मेरे साथ खाट और ये टूट गया। मम्मी तो सारा ही उठाना पड़ेगा चूल्हा है, अगर इसी पे ही रखा जाएगा दूसरा चूल्हा तो रखा जाएगा दूसरा इसी पे ही। नहीं ये तो उठा दूँ बस फिर सारा ही, ये तो नहीं तसले में वो उस पर जो मजदूर नीचे लग रहे हैं उन पर भिजवा दूंगी, तसले में भर दूंगी इससे सारे को हैं, क्योंकि तोड़ना तो ये पड़ता ही, आप ही टूट गया क्योंकि यहाँ पे ये टूटेंगी ना जाली जूली बना देता मक्का जी ऊपर काम निपटेगा जो रखू रखा ऊपर तैयार चूल्हा। बस अभी जब ये काम खत्म हो जाएगा जब रखिए आराम से, मुझे तो एक स्रोत पे मंगाऊंगी। हाँ ले लिए। और यहाँ पे देखिए बस ये चूल्हा मेरे से टूट गया, ये टूट गया मेरे पास चूल्हा, नुकसान हो गया। अब मम्मी को दूसरा रखना पड़ेगा बना हुआ है। और अब मैं सबसे पहले पीसूंगी मिर्च, लाल मिर्च। मम्मी परेशान हो रही कल से कि लाल मिर्च पीसते कहाँ, में सूख तो गई थी। हाँ ये वाले यही होगा मम्मी, मरना तो कुछ नहीं कहा, मैं तो यहीं रख दूँ काट कूट के। तो ये लाल मिर्चें हैं ये सूखी हुई, इन्हें पीस दूँ पहले, इनका काम खत्म होगा नहीं मम्मी परेशान रहेगी। अब पीसी नहीं पीसी नहीं, तो ये पीसी मैं पीसने लगी हूँ मिर्च, और बाहर ही रख ली मैंने मिक्सी। और ये मिक्सी का जो मिक्सर होता है वो नहीं है, सिर्फ जूसर ही है, मतलब मिक्सी का जो जार पीसने वाला होता है वो नहीं है, ये जूसर वाला है, तो इसी में ही मैं पीस रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि इसी में ही पीस जाती है ये थोड़ी थोड़ी करके, पहले तो मैं सोच भी रही थी कि पीसेगी नहीं, थोड़ा टाइम तो इसमें ज़्यादा लगा लेकिन फिर भी ये पीस गई थी, मैंने थोड़ी थोड़ी करके कई बार करके पीसी, ऐसा नहीं पीसी जैसा उसमें जार में डाल देते हैं ना और फट से पीस जाती है, तो थोड़ी थोड़ी डाल के पीसती रही, लेकिन फिर भी मैंने पीस दी। मगर चलो जैसे भी, क्योंकि जो इसका दूसरा जार है वो हो रहा है ख़राब, काफ़ी पहला ही हो रहा होगा ख़राब, तो अब इसी में ही पीसते हैं, मैंने इसी में पीस के रख दी।
तो यहाँ मैंने बाहर ही रख ली, क्योंकि रसोई में लगाती तो पूरी रसोई में थोड़ी सी वो धसक सी हो जाती है मिर्च की, और यहाँ पे बाहर पीसते हैं तो इतनी ज़्यादा वो भी नहीं आती, तो मैं यहाँ पे बस पीस के रख दूँगी। तो ये वाली टेंशन भी मेरी ख़त्म हुई, क्योंकि मम्मी से ये काम नहीं होते, फिर मम्मी को रहता है कि ये भी काम हो जाए फिर कैसा करूँगी मैं, इस वजह से। और उसके बाद बस मैंने मशीन लगाई हुई है, मशीन में मैं कपड़े निकालती जा रही थी बीच में बार बार, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बस घर में अपना झाड़ पूछ करने के लिए। और आजकल आपको पता ही है मिस्त्री जी लगे हुए, तो धूल मिट्टी इतनी हो रही क्योंकि तोड़ फोड़ नीचे की बहुत ज़्यादा चल रही, और आज तो ऊपर भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे बस ये है कि चलो धूल मिट्टी अपनी जगह है, वो हो रहा जो, लेकिन सफाई करना हमें अपने हाथ में है, क्योंकि साफ ऐसा तो हम छोड़ नहीं सकते कि भाई धूल मिट्टी हो रही चलो छोड़ दो, ये तो कल को भी ऐसा होगा। अगर हम इसे रोज़ साफ करते रहेंगे तो साफ रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बैठना उठना सोना सब कुछ है, ये नहीं है कि हम इसको यूँ ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मुझे बदलनी है ये वाली बेडशीट, कई दिन हो गए मैंने ये डाली थी आके, तो ये गंदी हो रही थी क्योंकि हम यहीं पे ही रहते हैं, तो यहाँ मैं ले आई हूँ दूसरी। ये लेके तो आई थी दो एक साथ की है ये, लेकिन इनमें से क्या हुआ, ये तकत है छोटा, इस पर तो आ जाती है ये वाली, लेकिन वो जो दीवान है उस पर ये आती नहीं। फिर मैंने उस पर दूसरे वाली बिछाई जो वो है डबल बेड वाली, ये सिंगल बेड वाली इस पर आई नहीं, तो ये मैं लेके आई, इससे मिलती जुलती सी है ये भी। फिर मैंने सोचा चलो ये बिछा दूँ, जिससे कि ये अच्छी भी लगेगी इसके ऊपर और अच्छे से ये बिछ भी जाएगी। और आपको पता ही है घर में इतना ज़्यादा काम हो रहा, और मैं बताऊँ मेरे से भी ज़्यादा काम पापा जी को करना पड़ रहा। मम्मी तो खैर कर रही है, आप बोल भी रहे कि मम्मी से क्यों काम करवा रहे, क्योंकि अब तो देखो पहले से मम्मी की तबीयत ठीक है, और बड़े आदमी का यह है कि अगर ठीक हो जाना तो उनसे बैठन जाता भले ही मैं कितना रोकती रहूँ। फिर मेरा दूसरा काम यह है कि मम्मी ना किचन का कर लेती है, अब खाना खुना बनाने का मैं भी करती हूँ, करवाती हूँ उनके साथ हेल्प जितनी भी होती है, और मुझे ज़्यादा चलने फिरने का काम हो रहा, जैसा कई बार तो मुझे नीचे का ऊपर का जाना पड़ता है संगवाने का, सारा ही सामान इधर उधर हो ही रहा है, कभी इधर से उधर रखो उधर से उधर, और कभी नीचे उचे का, ये ज़्यादा काम हो रहा है मेरे पास, तो इस वजह से मैं फिर सारा काम नहीं कर पा रही। और फिर देखो साफ़ सफाई का भी है, कपड़े धोने, जो अपना रूटीन का काम है वो तो है ही, आप ये समझ लो कि मेरी रेल बन रही है बिल्कुल। और कुछ लोगों को तो मेरी बहुत चिंता हो रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखना, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अभी तक तो भगवान की दुआ से मैं ठीक हूँ, और काफ़ी दवाई वगैरह तो खैर मेरी चल ही रही है, जैसा कि आपको पता मेरे गले में इन्फेक्शन ज़्यादा था, और उसके लिए मेरे पापा जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बार बार दवाई का भी और खाने पीने का भी, जूस वगैरह भी ला कर देते रहते हैं कि ये पी लें वो पी लें, बहुत ध्यान रखते हैं पापा जी इस चीज़ में। और दवाई भी एक टाइम भी मेरी छूटनी नहीं देते, अगर कई बार हो जाता है ना कि ना लेऊं, तो बार बार याद दिलवाते रहते हैं कि दवाई ले ले, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पता है भाई देखो अपने बच्चे अपने सामने कितने परेशान होते हैं, उनको पता है, और इसी वजह से। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो भी हमारे ऊपर के काम है, मम्मी को अगर लगता है कि वो इजीली कर लेती है काम, जैसा किचन का खाना सब्जी बनाना बर्तन बुर्तन करना थोड़े बहुत वो कर लेती है, हालांकि मैं भी उनके साथ करवाती हूँ, ये नहीं है कि मैं सारा उनके ऊपर छोड़ दूँ, अगर मुझे जब भी इधर से टाइम मिलता है तो मैं वो करवा देती हूँ। बस ये है कि मम्मी से ये एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते, जैसा बहुत सारा सामान आज हमने स्टोर से खाली करा वो उठाया, बहुत सारा ऐसा कि जो खाली तोड़ने वाला सामान है नीचे, वहाँ से देखा कैसे करना कैसे नहीं, वो सारा फिर मुझे ही करवाना पड़ा है। तो हर काम ये भी नहीं कि मैं वीडियो में दिखा पाती हूँ, कई बार ऐसा हो जा कि नहीं बन पाती मेरे से वीडियो, मिस्त्री जैसे लगते हैं उनके साथ मुझे, मतलब जो मेरे अंकल काम करने वाले हैं जो करते हैं उनके साथ करवाना पड़ा है सामान इधर उधर। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो कपड़े हैं वो मैं निकाल रही, बीच में साफ़ सफाई का काम भी मैंने कंप्लीट कर दिया, सुबह नाश्ता बना ही दिया था मैंने, अब मम्मी बस कर रही है खाने की तैयारी, जो बनाएंगे बनाऊंगी तो मैं ही, बस जब तक मैं अपना तैयारी सब्जी सुब्जी काट के तैयार कर देंगी तब तक मैं अपना कपड़े धो लूँगी। बस यह है कि मैं अपना छोटा जैसा दूध जिता के रख देंगी दूध छान के, और अब थोड़ा सा काम ज़्यादा गाय की वजह से भी बढ़ रहा है, एक तो मिस्त्री लग रहे हैं, देखो कितने काम हो रहे हैं, घर का जो नॉर्मली काम है वो तो है ही सारा, झाड़ू पोछा में आंटी करती है, झाड़ना पूछना रोटी बनाना वो तो है ही, उससे भी ज़्यादा मिस्त्री जो आ रहे हैं जो लकड़ी वाले में भी आए हुए हैं, जो ये हैं मकान बनाने वाले में भी आ रहे हैं, उनका भी बहुत सारा काम हो रहा, और उससे भी ज़्यादा अब जो गायें हैं गाय का भी, पहली गाय हमारी बीमार हो रही उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी और पापा जी परेशान हैं, क्योंकि गायें बीमार ज़्यादा हो गई थी, अभी कल से उसे आराम है खैर आप सबकी दुआ से, उसको
उसकी वजह से ज़्यादा टेंशन में थे। फिर बार बार डॉक्टर को बुलाना, दिखाना, दवाई लाना, और फिर जो अब गायें नहीं दूध देने लगी उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि उसके छोटे बच्चे को दूध पिलाना बार बार, अब वो काम तो मेरे बस का नहीं है, वो तो मम्मी और पापा जी करते हैं, उसको अपने आप दूध पिलाना पड़ता है। मतलब अभी बहुत छोटा है, 2-3 दिन तक ध्यान रखना पड़ेगा। तो काम इतना ज़्यादा हो रहा, रेल बन रही है हम सब की, मेरी और पापा जी की तो सबसे ज़्यादा है, मम्मी की भी, मम्मी भी बहुत कर रही है। बस ये है भगवान का शुक्र कि मम्मी की हेल्थ अब ठीक है पहले से, हालांकि हम बहुत ध्यान रखते हैं, पापा जी भी, मम्मी भी, मैं भी, कि हम मम्मी से कोई भी काम ऐसा ना करवाएं जिससे कि मम्मी को फिर दिक्कत हो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दरवाजे मैं धरने लगी, ये ना कल उतारे थे यहाँ से, मैंने सोचा चलो इनको मैं अंदर रख देती हूँ एक साइड, यहाँ पे ना क्लीनिंग हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या हुआ, मेरे ना चोट लग गई आज। ये कल की वीडियो है, मतलब कि मंडे की, और ये जब मैं रख रही थी तो ये ऊपर दरवाजे में लग गए और मेरे एकदम माथे में लग गए और गोला पड़ गया, बहुत दर्द हुआ मेरा। उसके बाद तो मैं बहुत देर बैठी रही बस ये है काम काम के चक्कर में, भाग दौड़ में, तो कई बार याद भी नहीं रहता। फिर पापा जी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि क्यों उठाए, उठाने जरूरी थे क्या, किसी मजदूर से उठवा लेते। मैंने सोचा चलो इनको साइड रख दूंगी, यहाँ खाली सा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, ये मैंने सोचा था। तो कई बार जल्दबाजी में ऐसे ही काम हो जाते हैं अपने भी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप मेरा इतना केयर कर रही है कि आप अपना ध्यान रखो। रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, काम है ज़्यादा आप, मैं समझती हूँ, लेकिन काम करे बिना भी मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत ज़रूरत है काम की, और मेरे से भी ज़्यादा मेरे पापा जी को है ज़्यादा। लेकिन यह है कि जितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ऊपर नीचे करने की कोशिश करती हूँ कि दोनों का ही कर लूँ, मम्मी का, पापा जी का, लेकिन बाहर का तो पापा जी को अपने आप ही करना पड़ता है। जैसा मैं दिखाऊंगी आगे आपको वीडियो में कि सारा काम पापा जी कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो मिस्त्री का एक खेत का गाय का वो तो उनको देखना ही देखना है, बस ये है सामान लाना ले जाना, वो भी बहुत मिस्त्री का काम बहुत ज़्यादा है, जो उनको सामान ला के देना होता है वो भी बहुत ज़्यादा है, बस पापा जी बेचारे पूरा दिन थके रहते हैं। तो खैर जी कोई नहीं, यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लाइफ में चलते ही रहते हैं। बस यह है कि अच्छा हो जाए, थोड़ा सा मेहनत करके हमारा घर अच्छा हो जाएगा। आप सब भी कह रहे हैं कि इसे ठीक करवा लो, तो उसी की हम कोशिश कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।